आज हम आपको मेरुदंड के लिए कमर से लेकर के और गर्दन तक जितने भी रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं इसके लिए योगाभ्यास बताएंगे। किसी भी कारण से आपको मेरुदंड की कोई भी समस्या है, आप 12 अभ्यास कीजिए और उन 12 अभ्यासों को हम क्रमशः बताएंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ सामने खोल लेते हैं, अंगूठा अंदर, गोलियों पर मुट्ठियां बंद कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की 7 अभ्यास होंगे। ये पहला अभ्यास है, लंबे लंबे श्वास लेते रहते हैं, ये एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर और दोनों गोलियां सामने ली, ऐसे आराम आराम से करना चाहिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस पेन है, गर्दन में दर्द है, उनके लिए पहले धीरे धीरे, फिर अभ्यास के बाद मध्यम गति से। ये तीसरा अभ्यास, दाएं हाथ से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं। ये चौथा अभ्यास, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं, गर्दन में कंपन पैदा होता है। पांचवा अभ्यास, गर्दन में दर्द हो तो आगे में झुकाना गर्दन को, ऐसे थोड़ा घुमा भी सकते हैं आराम आराम से। गर्दन में दर्द ना हो तो आगे तक भी घुमा सकते हैं, थोड़ा आगे तक घुमाना गर्दन में दर्द हो तो, ज़्यादा आगे तक नहीं घुमाना। और छठा अभ्यास है, इस तरह से कंधों को घुमाना, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और सातवा अभ्यास है, दोनों हाथ की मुठ्ठियाँ बंद करके अंगूठों को मिला लेंगे और उंगलियों को पीछे से मिला, श्वास अंदर करके हाथों को सामने खोलते हैं। कोहनियाँ इसमें सीधी हो जाती हैं, लेकिन पीछे साथ ऐसे नहीं होंगे, पीछे साथ ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ ऐसे ही रहें और कोहनियाँ सीधी हो जाएं। इससे सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस पेन में, फ्रोजन शोल्डर में, गर्दन के दर्द में विशेष राहत होता है। सूक्ष्म व्यायाम के 7 अभ्यास। अब आपको बताएंगे उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। उष्ट्रासन के भी 2 अभ्यास होंगे, अर्धउष्ट्रासन सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में लगा देते हैं, पैर की एड़ियां खड़ी हुई अथवा पंजों को ऐसे सीधा भी कर सकते हैं जमीन पर। अर्धउष्ट्रासन और पूरा उष्ट्रासन करने के लिए हाथ ऐसे भी ला सकते हैं और श्वास अंदर भर के थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकते हैं, अथवा आप आराम आराम से ऐसे भी हाथों को ला सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। उष्ट्रासन के बाद अर्धचंद्रासन, दाहिना छाती के ऊपर बाएं उसके ऊपर श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकते, पंजों को पीछे खोल देते। अब उल्टे लेट करके चार अभ्यास बता रहे हैं, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और धनुरासन। मकरासन के 2 अभ्यास से पहले एक एक पैर को पीछे से मोड़े सीधा करें, ये घुटनों के लिए अच्छा है, श्वास दमा अस्थमा के लिए और मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करते हैं। भुजंगासन के भी 4 अभ्यास हैं। कमर में दर्द होने पर धीरे धीरे ही करना होगा, पहले इतना ही उठ पाएंगे, ज्यादा नहीं उठ पाएंगे, इतना उठेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए।
अभ्यास होने के बाद थोड़ा रुकना ऊपर, दोनों हाथ की कोहनियां पार्श्व भागों से रिबकेज से पसलियों से छूती हुई, दोनों हाथ के थीने जमीन पर, थोड़ी जमीन पर पैर पीछे पास में, ऐसे आराम से जितना बन पाए उतना धीरे धीरे करना है। ये एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है भुजंगासन का, दोनों हाथों के थैली और हथौड़ी के नीचे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, सामने से ऐसे उठाते हैं। कमर में दर्द होगा तो इतना ही उठा पाएंगे, धीरे 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 आप ऊपर जाएंगे। और इस स्थिति में आकर के फिर रुका करें, पहले दिन ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अभ्यास के बाद हर एक आसन आधा मिनट से लेकर के एक दो और विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट तक एक एक आसन को किया जा सकता है। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। पैरों को पीछे खोल लेते हैं, दोनों हाथ की हथेलियां साइड में जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भर के सामने से ऐसे उठाते हैं। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के लिए, तो कमर से लेकर के और गर्दन तक पूरी रीढ़ की हड्डी को इससे व्यायाम मिलता है। पहले थोड़ा कर पाएंगे जिनको कमर में दर्द है, फिर अभ्यास के बाद अधिक कर पाएंगे। अपवाद रूप में 1% लोगों को छोड़कर के 99% लोग अपनी कमर को इससे अच्छा कर सकते हैं। इतना सुंदर आसन है ये भुजंगासन का चौथा अभ्यास। मकरासन भुजंगासन के बाद आपको हम बता रहे हैं अभी सर्वासन। सर्वासन के भी 4 अभ्यास होंगे। एक एक पैर को पहले ऊपर उठाना, यथाशक्ति रोकने के बाद नीचे ले आना। कोई भी योग अभ्यास जोर जबरदस्ती नहीं करना, सहजता के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। ऐसे क्रॉस करके उठाना, ये सर्वासन का दूसरा अभ्यास है। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लेते हैं ऊपर, श्वास अंदर भर के सामने से उठा देते हैं। और चौथे अभ्यास में दोनों तरफ से उठा देते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ते हैं और श्वास भर के दोनों तरफ से उठा देते हैं, जितना उठा पाए आराम आराम से करना, जोर जबरदस्ती से। उल्टे लेट करके 4 अभ्यास, सीधे लेट करके कमर के लिए खास अभ्यास है मरघटासन। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। मरघटासन बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है कमर दर्द के लिए। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, घुटने पर घुटना, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना घुटने के ऊपर, ऐसे एक तरफ पैरों को लेकर के गए, फिर बीच में वापस आ गए। श्वास अंदर भर करके पैरों को ऐसे साइड में ले जाते हैं और नीचे जाने के बाद श्वासों की गति आप सामान्य कर सकते हैं। ऐसे एक स्थिति में थोड़ी देर रुकना चाहिए। ये मरकटासन, इस मरकटासन को और सभी आसनों को 2-3 बार से लेकर 5 बार आवश्यकता होने पर 10-10 बार भी किया जा सकता है। घुटनों में पंजों में फासला, मरकटासन का ये दूसरा अभ्यास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कमर दर्द के लिए। योगाभ्यास में भुजंगासन और मरकटासन, ये 2 आसन तो कमर दर्द के लिए हम अवश्य ही करवाते हैं। जब भी योगाभ्यास कराते हैं, कमर का दर्द हो या ना हो, मेरुदंड की कोई समस्या हो या ना हो, क्योंकि योग का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति को और अधिक स्वस्थ बनाना और
जो रोगी हो चुका है उसको भी निरोगी बनाना। ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास है। घुटने पंजों में फासला होता है, ये घुटना जमीन पर आ जाता है, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर गर्दन विपरीत दिशा में और एक स्थिति में शरीर को थोड़ी देर रोक करके रखते हैं। ये मरकटासन का दूसरा अभ्यास। और मरकटासन का तीसरा अभ्यास है, दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं, बाई तरफ ले आते हैं। जिनको कमर में दर्द होगा वो इतना ही पैर को ला पाएंगे साइड में, और जिनको कमर में दर्द कम है अथवा जैसे जैसे कमर में दर्द कम होता जाएगा, फिटनेस बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपका पैर हाथ के पास चला जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में, ऐसे ही दूसरे पैर से। कमर में ज़्यादा दर्द होने पर पैर इतना ही आ पाएगा तो भी अच्छा है, फिर धीरे धीरे पैर आगे आएगा और ऊपर और ऊपर, और धीरे धीरे आप फिर पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन विपरीत दिशा में। और ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास। एक एक अभ्यास को दो तीन बार पांच बार कर सकते हैं। मरकटासन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन, पूरा पवन मुक्तासन नहीं किया जाता क्योंकि कमर दर्द के रोगियों को आगे झुकना मना होता है, इसलिए पहले एक एक पैर को मोड़ा, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, घुटने को दबाया, छाती से लगा दिया। पूर्ण पवन मुक्तासन में सिर ऐसे उठाते हैं, कमर दर्द होने पर सिर उठाना मना होता है, पहले एक एक पैर से सीखा और फिर दोनों पैरों से एक साथ। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियां कुल्लों से लगभग छोटी, ये अर्ध पवन मुक्तासन। एक पाद उत्तानासन, एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। जिनको कमर में दर्द वो इतना ही उठा पाएंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक पैर को ला सकते हैं ऊपर और नीचे ऐसे। कमर दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कंधरासन अथवा सेतु बंधासन जिसको कहते हैं। पैरों को मोड़ लेते हैं घुटनों से, रखने के पास से पैर को पकड़ लिया, श्वास अंदर भरा भी इसे उठा दिया और ऊपर उठा करके थोड़ी देर इसी स्थिति में रुक जाते। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ये कंधरासन अथवा सेतु बंधासन बहुत उपयोगी है कमर दर्द के लिए। कमर दर्द के लिए अंतिम आसन है, कमर को बीच से ऐसे उठा दे। कमर से लेकर के गर्दन तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर उठ गई है, फिर नीचे दबा देते, नीचे पूरी दबा देते, और जब ऊपर उठाएंगे तो पूरा ऊपर उठा दिया। सभी आसनों की बात थोड़ी देर शवासन अवश्य ही करना चाहिए कमर के रोगियों को। दोनों हाथों को उठाएं आप मेरे बड़े और गर्म गर्म की ऊर्जा का उष्मा बंद आंखों को करके आंखें खोलने और बंद करें। ये योगाभ्यास बताया हमने आपको कमर।